हजारों हजार लोग यहाँ पहुंचे हैं और पीछे आंदोलन चल रहा है। मैडम क्या कहोगे, 150 दिन हो गए और 150 दिन के बाद में समाज की नींद खुली है, जब समाज सो रहा था, जब रितु को यहाँ से खदेड़ दिया गया। देखिए, जब से डॉक्टर रितु बैठी है, एक लंबा आंदोलन था और इतने लंबे आंदोलन में समाज जब जब आता रहा, बीच बीच में समाज आता भी रहा, आप यहाँ पे लगातार रहे और बहुत सारे लोग लगातार रहे, हम भी आते रहे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो नहीं चाहता था यहाँ बैठे। लेकिन ये आज जो आंदोलन हुआ है, इससे पता चल गया उनको कि अगर इनको ज्यादा सताया जाएगा तो ये इकट्ठा भी होना जानते हैं, ये एकजुट होना भी जानते हैं और अब अधिकारों के प्रति इनमें चेतना भर रही है, उसी का परिणाम है आज के आज इतनी सारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रोफेसर रितु को आज 5 महीने के आंदोलन के बाद में अंदर बुलाया गया बातचीत करने के लिए, तो लगता है समाज का दबाव काम आ रहा है। देखिए, ये समाज का ही दबाव है, अकेले व्यक्ति की कौन सुनता है यहाँ पर। आज यहाँ पर कई पार्टियों के लोग, अनेकों संगठनों के लोग यहाँ पर एकजुट हैं, तो ये दबाव बनता है उनपे कि भले ही हम संगठन किसी भी नाम से चलाएं, भले ही हम पार्टियां किसी नाम से चलाएं, लेकिन जब समाज पर मुसीबत आए तब हमें एकजुट हो जाना चाहिए और यही सामाजिकता होती है, यही समाज में सामाजिक होने की पहचान भी है। आप कह रहे हैं सामाजिक होने की पहचान है, सवाल फिर वही निकल करके आता है कि जब सुबह को 6 बजे रितु का आंदोलन खदेड़ दिया गया और सुबह को 9 बजे उसने वीडियो बना करके समाज से अपील की कि मैं अकेलू, मेरा साथ देने के लिए आओ, वो भावुक हुई, रोई, उसके बाद में शाम को 7 बजे तक 20 आदमी इकट्ठा ना हुए। आज नेताओं की भीड़ है या वास्तव में रितु के समर्थन में लोग आए? देखिए, ऐसा नहीं है, नेता 2-4 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो मैं किसी पार्टी की नेता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, कोई पदाधिकारी भी नहीं हूँ, और मेरे जैसे यहाँ पे हजारों लोग हैं, ये किसी पार्टी से नहीं है, मेरे पीछे खड़े हुए किसी पार्टी से लोग नहीं है, तो हम सब लोग किसी पार्टी के नेता नहीं है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं आए हम लोग, हम डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट को मजबूती देने के लिए आए हैं और वो समाज की बेटी है, समाज की बेटियों के साथ जब अत्याचार होगा तो समाज को ये खड़े होकर दिखाना चाहिए कि हमारी बेटियां तुम्हारे शोषण का शिकार नहीं होंगी, चाहे खेत हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे कॉलेज हो, हम उसके साथ खड़े होंगे, तो ये हमें इधर से संदेश देना चाहिए। अगर ये उनकी बेटियों के साथ हो रहा होता तो पूरे देश में ये भारत की बेटी बन गई होती, लेकिन आज ये दलित की बेटी कहकर उच्चारित करते हैं और दलित की बेटी कहकर दलित का आंदोलन दबा के रख देते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर भारत के अंदर आज किसी को, पूरे भारत को अगर सही दिशा में कोई लेके आ सकता है तो वही अंबेडकरवादी हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो आडंबर और पाखंड से निकल करके सभी की लड़ाई लड़ते हैं, सभी की लड़ाई लड़ते हैं। क्या कारण है कि वर्तमान सरकार सिस्टम तमाम अंबेडकरवादियों को खदेड़ देना चाहता है, वो एक रंग में पूरे मुल्क को रंगना चाह रहा है, सिर्फ अंबेडकरवादी टारगेट पर ही क्यों है? देखिए, ऐसा है कि अंबेडकरवादी उनकी जो परत दर परत चढ़ी हुई उनका जो झूठ का आवरण है उसको खुरेच रहा है, उसको उतार रहा है, और जो परतों का चढ़ा हुआ जो झूठ का आवरण है सदियों से जो इन्होंने चढ़ा रखा था लोगों के दिमाग पे, और दिमाग से उतारी गई परतों के बाद क्या हो रहा है, लोगों के अंदर जो है खड़े होकर के सवाल करने की हिम्मत आ रही है, और तानाशाह सरकार को सवाल पसंद नहीं होते हैं, और अंबेडकरवादी वही बनता है जिसको सवाल करने की हिम्मत आ जाती है, तो सवालों से डर रही है कहीं ना कहीं सरकार, बिल्कुल, और इसीलिए अंबेडकरवादी टारगेट पर है क्योंकि अंबेडकरवादी इनके सामने झुकता नहीं, अंबेडकरवादी इनके लिए इनके सामने डरता नहीं, अंबेडकरवादी जेल से नहीं डरता, मुकदमे से नहीं डरता, मरने से नहीं डरता, गोली से नहीं डरता, और आंदोलन करने के लिए सड़क पर से नहीं डरता, और यहाँ तुम्हारे हमारे देश के अंदर जितना मीडिया जैसा भी सवाल खड़ा कर दे उन सवालों से भी नहीं डरता, तो इसलिए अंबेडकरवादियों से सरकारें भी डर रही है और देश की मीडिया भी डर रही है। 131 सांसद, 1000 से ज्यादा दलित समाज के विधायक, क्या कारण है? राजनीतिक जो लाभ आरक्षण का जिन लोगों ने लिया वो नहीं आ रहे, नहीं बोल रहे। अच्छा, हमारे देश में जो है बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी, विश्व में और भी जगहों पर रही है बंधुआ मजदूरी, तो अब बंधुआ मजदूरी आम नागरिकों की तो खत्म हो गई है, वो बंधुआ मजदूरी अब एमपी एमएलओ में ट्रांसफर हो गई है, तो अब वो एक एक आदमी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाते, हरीश जी को बनाएंगे, मुझे बनाएंगे या इन्हें बनाएंगे, अब हम इतने सारों को बंधुआ मजदूर नहीं बनाते, अब वो राजनीतिक आरक्षण के तहत हमारे जो एमपी एमएलए है वो 5 लाख का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो एक को बना लिया तो 5 लाख ऑटोमेटिकली बंधुआ मजदूर हो गए, तो अब पार्टियों के अंदर जो एमपी एमएलए हैं वो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, और अपनी बंधुआ मजदूर कभी सवाल नहीं करता, बंधुआ मजदूर कभी दर्द में उफ आ नहीं करता, वो कभी अपने लोगों की बात नहीं करता, बंधुआ तो बंधुआ होता, भेड़ जैसे भेड़ होती है, एक भेड़ सारी भेड़ों को समझा दिया गया कि देख तू इससे अलग है, तेरी कटने की बारी नहीं आएगी, इसको काटेंगे और तेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तेरी बिरादरी अलग है और तू तो बहुत ऊंचा हो गया, अब तेरी बारी नहीं आएगी, ये ऐसी सोच के हर भेड़ रोज रात को सो जाती है और हर भेड़ बाड़े में से एक भेड़ काट ली जाती है, तो इस समाज का वही हाल है। एमपी एमएलए आज आजाद नेता नहीं रहे, वो जो है बंधुआ मजदूर है अपनी अपनी पार्टियों के। ये कुछ लोग राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि रितु को तो नौकरी अब मिल रही थी, ये राजनीति कर रही है, तो मतलब क्या राजनीति करना उतना गुनाह है? अगर रितु राजनीति करी तो गलत कर रही है।
देखिए उनके समाज की लड़कियां साध्वी, साधु, संत, नशा, गांजा फूंक कर भी नेता बन सकती हैं, तो हमारे समाज की पढ़ी लिखी लड़कियां नेता नहीं बन सकती क्या? क्या नेता बनने पर उनका कॉपीराइट है? क्या नेता निर्देश नहीं बन सकती, ऋतु नहीं बन सकती, या राहुल नागपाल नहीं बन सकते, हरीश जी क्यों नहीं बन सकते भाई? क्यों? क्या इस देश के हम वोटर नहीं है? जो वोटर है वो नेता ही बन सकता है, इसमें कौन सी अपराध है भाई? और ये अधिकार है, शिक्षित पढ़े लिखे नेता आने चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो हमारे देश में जो बंधुआ मजदूरों की जो भीड़ इकट्ठी हो गई है, 131 सांसद और एमपी एमएलए जो अलग अलग स्टेट से आते हैं चुनकर, कम से कम ऐसे लोग जाएंगे तो उन गुंगों को बताएंगे तो कि बोला ऐसे जाता है। आप कह रहे हैं कि बोला ऐसे जाता है, आप अगर दिल्ली के यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात की जाए तो लगभग 3000 प्रोफेसर हैं, एससी एसटी के रतनलाल सर ने मुझे बताया, लगभग 3000 प्रोफेसर हैं। अगर हम उंगलियों पर गिने तो लक्ष्मण यादव थे, डॉक्टर थे, तो बाहर निकाल दे रही तू बाहर धरने पर बैठी है, रतनलाल सर रोड टारगेट पर, उन्हें विदेश नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में जब शिक्षक भी नहीं बोल रहे हैं, इसी में कौशल पवार थी जिनके लिए संघर्ष किया गया, उनके मैं नाम लेके कह रहा हूँ, उनको जब दिक्कत थी तो हम सब लोग समर्थन पाए, आज आप भी गई, आज वो भी नहीं आ रही, वो भी नहीं बोल, परमानेंट प्रोफेसर हैं। देखिए जब कहते हैं ना कि बहुत तेज बाढ़ जा रही होती है, नदी बह रही होती है, तो मुर्दा मछलियाँ, कूड़ा करकट, ये वो जो अगड़म झड़गम जो होता है ना, टूटे हुए पेड़ और पत्तियाँ और मरे हुए जानवर, सब उसमें बहते चले जाते हैं, लेकिन जो जिंदा होता है वो उसकी दिशा को काटता है, जिंदा होता है वो विपरीत जाकर दिखा रहा है, अगर इधर बह रहा तो वो इधर को जाएगा, वो लावा नहीं, वो कूड़ा करकट नहीं होता है, वो मुर्दा नहीं होता है। तो ये जिंदा लोगों की पहचान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के टाइम पे भी और शिक्षित लोग भी हुआ करते थे, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिंदा होने का सबूत दिखाया, तो ये जो नाम देश के अंदर गिने जाते हैं ये जिंदा लोगों की पहचान है, और मुर्दा लोग केवल रोटी खाते हैं, सो जाते हैं, और फिर वो अपना दिन काट करके बूढ़े होकर के इंतजार करते हैं कि हम कब मरेंगे। ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं होता, ना ऐसे लोगों की पहचान होती है, बस वो रोटी खा रहे हैं, अरे तुम भी रोटी खा रहे हो और वो भी रोटी खा रहे हैं जो भीख मांगते हैं संविधान के नाम पर, तो तुम में उन्होंने अंतर क्या, रोटी उन्हें भी मिली तुम्हें मिली, वो तो शाम को पौआ भी ले लेते हैं संविधान के नाम पर, इतना पैसा आ जाता है उनपे, तो भैया तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, कम से कम वो अपने धर्म का तो प्रचार करें, तुम तो अपने अधिकारों के बारे में ना जानते ना प्रचार करते। आप कह रहे हैं कि मतलब ना जानते हैं ना प्रचार करते हैं, क्या काट है ये सारी समस्याओं का? आपका राजनीति, आपका धार्मिक लेवल पर शोषण हो रहा है, आर्थिक लेवल पर शोषण हो रहा है, नौकरी में तो वहाँ शोषण हो रहा है, आपने कहा कि जो 131 सांसद है वो बधुआ मजदूर है, इन सारी समस्याओं का क्या काट है? देखिए इसका एक सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे कि जिस समाज के राजनीतिक जड़ों से पहले सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, और सामाजिक जड़ों में धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं होती, लोग इसको भी आधा बताते हैं, सामाजिक जड़ों में भी धार्मिक जड़ें मजबूत, अगर हमारा कितना भी बड़ा नेता बन जाएगा तो वो उनके धर्म के आगे जाकर झुकता है और वो अपमानित करके भगा देते हैं, हमारा अपना कोई धर्म नहीं है, हमारा अपना सामाजिक कोई स्थान नहीं होता जहाँ हम बैठे, मुसलमान जाता है नमाज करता है 5 बार की नमाज अदा करता है और आपस में वो सारा समाज मिलता है, भाईचारा बनता है उनका, और क्रिश्चियन भी जाता है और सिख भी गुरुद्वारे में जाता है, लेकिन ये बहुजन समाज कहाँ जाता है ये बताओ? ये तो में जाता है ना? नहीं जी, ये तो मंदिरों में जाता है, मंदिर उनके नहीं, लात खा के आता है वहां से, वो थप्पड़ मार देते हैं, बाल पकड़ते हैं, इनको भगा देते हैं, और अगर शाम को दारू पीने ये थको पर चला जाता है तो इसकी एकता कहाँ से बनेगी जब इसमें भाईचारा नहीं है, बैठने के इसके अपने स्थान नहीं है, इसकी हाय हेलो नहीं होती, इसको ये नहीं पता चलता किसी का बेटा कितना बड़ा हो गया, किसी के बच्चे की नौकरी लगी नहीं लगी, और किसी बच्चे के घर में खाने को है नहीं है, किसी बच्चे की फीस की कमजोरी है नहीं है, वो लोग आपस में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, 1% जैन जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ और पूरे बाजार पर कब्जा किया हुआ है, यही कारण है कि उसके अपने अपने ठिकाने हैं, वो बैठता है, वो बातें करता है, किसी बच्चे पर कमजोर है उसकी फीस भरते हैं सारे इकट्ठे होकर, किसी की बेटी की शादी करनी है तो उसकी शादी करते हैं, हमारे लोगों में ऐसी कोई भावना नहीं है। समस्याओं का समाधान क्या है? समस्या का समाधान यही है कि देश के अंदर जितने भी लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, अगर वास्तव में चाहते हैं कि वो समाज के लिए देश के अंदर अंबेडकर राइट मूवमेंट की राजनीति करें, तो जितने भी अंबेडकर राइट विचारधारा के लोग हैं, सारे जो बहुजन लीडर हैं, उन्हें एक मंच पे आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए और सरकार बनानी चाहिए, और सरकार तभी बनेगी जब तभी अंबेडकरवादियों की सरकार बनेगी, और ये बैठ के पैक्ट कर लेना, कम से कम 29 राज्य हैं भारत में, किसी एक को प्रधानमंत्री चुन ले और बाकी आप मुख्यमंत्री के राज्य ले लो, भाई जब सरकार बनती है तो एक ही पद थोड़ी होता है मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का, भाई शिक्षा मंत्री भी होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शिक्षा विभाग को संभालें, जो और इंजीनियर है वो सड़कों को संभालें, इतने सारे विभाग होते हैं, उन विभागों को बांट लो, बहुत सारे योग्य समाज में लोग हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनको सबको वही एक ठिकाने वाली कुर्सी चाहिए, चाहे इधर उधर से वो गिराने के लिए वहां पे 10 मिनट बाद उन्हें धक्का देके गिरा दिया जाए। तो पहले हमारे समाज के लीडरों को एक साथ बैठ करके, मैंने ये पिछले साल भी 6 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड पर मैंने स्पीच करी थी, तब भी मैं बहुत इस बात पर दुखी थी कि सब लोगों को बिठाने के लिए मीटिंग करी थी लेकिन लोग बैठे नहीं, नेता आपस में एक दूसरे की पीठ करके बैठते हैं, अगर ये दरको तो मेरी पीठ दरको होगी, तो पहले हमें ऐसे बैठना चाहिए अपने आपस में नेताओं को, उसके बाद जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर इनको राजनीति करनी है तो क्लियर करें कि मैं इतने साल बाद राजनीति करूंगा, इतने समय तक मैं सामाजिक काम करूंगा, राजनीति के अंदर छुपाकर सामाजिक काम जो करते
इससे समाज में विश्वास टूटता है। मैं ये कह रही हूँ मेरा अभी राजनीति में कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं भविष्य में राजनीति करूंगी, मैं करूंगी, क्योंकि मुझे राजनीति जब लगेगी कि समाज के लिए जरूरी है तो मैं कट्टर और कट्टरता जो है अंबेडकरवाद में कट्टरता नहीं है, बुद्धिज्म में कट्टरता नहीं है, इंसान के विचार फ्लेक्सिबल होने चाहिए परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि आज सर्दी है और आने वाली मई में गर्मी होगी, ये कोट उतार के फेंक देंगे हम, आज रजाई हमें प्यारी है, गर्मी में वो रजाई दुश्मन दिखाई देगी। तो विचारों में हमारे समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में था, पहले उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, लेकिन जब उन्होंने राजनीति भी करके देख ली तो उन्होंने ये देखा कि राजनीति एक माध्यम हो सकता है किसी कुर्सी में बैठने का, लेकिन स्थायी राजनीति के लिए धर्म बहुत जरूरी है, और लास्ट में उन्होंने बुद्धा और धर्म किताब इसीलिए लिखी और उसमें यही बात वो कहकर गए। यही बात वो कहकर गए। आप निर्देश सिंह थी और सोशल एक्टिविस्ट हैं जैसा उन्होंने बताया, और बहुत सारी बातें उनके बारे में उनके परिचय में और बताई जा सकती है, लेकिन इतना तय है कि निर्देश सिंह जैसे जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अम्बेडकरवाद जो है वो कूट कूट करके हिंदू के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए वो यहाँ पर पहुंची थी। तमाम एक्टिविस्ट यहाँ पहुंचे थे और तमाम लोगों ने यहाँ करके अपना समर्थन दिया। इस आंदोलन में फ्यूचर में ये आंदोलन किधर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। धन्यवाद।